अंतिम खाते के सीरीज में आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका मेन चैप्टर है अंतिम खाते, जो कि कॉलेज में भी सबसे पहले इसी को पढ़ाया जाता है क्योंकि मोस्ट एमपी है। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिए है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या खास है, वही नॉर्मल प्रश्न जो आपने बनाया और ये सबसे छोटा भी प्रश्न है, तो ये आपसे बन जाना चाहिए अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो, पर फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक से छूट जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं अंतिम खातों में व्यापार खाता, जिसको आप ट्रेड अकाउंट बोलते हैं। फिर आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आप बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। फिर आपका बैलेंस शीट तैयार होता है। तो व्यापार एवं लाभ हानि खाते का अभी आंसर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले प्रारंभिक स्कंध लिखा जाता है, जो आप देख रहे हैं 8968 रुपये दिया हुआ है। फिर आपको लिखना होता है उसके नीचे क्रय। क्रय में अगर आप क्रय वापसी दिया हुआ है तो घटाएंगे, नहीं तो फिर एज इट इज़ लिखेंगे। फिर आपको समाकलन पक्ष में लिखना होता है विक्रय, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें विक्रय वापसी घटाएंगे। इस तरफ डेबिट साइड में फिर आपको मजदूरी वगैरह है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ेंगे। तो मजदूरी ऊपर में दिया हुआ है 4097 रुपये का। अब देखते हैं कि इनमें संयोजन कहाँ पर है। तो संयोजन में जो अंतिम स्कंध दिया जाता है उसको लिखा जाना होता है, तो इसको लिखेंगे। और मजदूरी में 120 रुपये एक नई मशीन की प्रतिस्थापना से संबंधित है, इसको लिखेंगे, ठीक है, 120 रुपये का। तो ध्यान देंगे मजदूरी में 120 रुपये मशीन के शामिल हैं, तो मजदूरी का जो टोटल अमाउंट दिखा रहा है वो एक्चुअल में सही नहीं है, उसमें 120 रुपये किसी अन्य के शामिल है, तो उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा व्यापार एवं लाभ हानि खाता, ठीक। तो आप जो यहाँ पर ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए बिना स्किप के और देखिए, इस तरह से तो आपको अपना खाता तैयार करना है, जहाँ पर आपको लिखना है इन द बुक ऑफ MS देवांशु ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो हमारा कॉलम है ये राशि का है, अमाउंट का, और ये विवरण है, ये भी विवरण है, पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंध सबसे पहले लिखेंगे। फिर आप परचेस लिखेंगे, रिटर्न है तो घटाएंगे, नहीं तो एज इट इज़ जो अमाउंट है उसको लिखेंगे। मजदूरी लिखेंगे, मजदूरी में से जो मशीन के शामिल थे वो आप घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसको आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ आपको सेल्स लिखना है, विक्रय में आप विक्रय वापसी घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसको इस तरह से लिखेंगे। अंतिम स्कंध को लिखेंगे। अब समाकलन में से विकलन को घटाने के बाद जो बचेगा उसको हम सकल लाभ या सकल हानि बोलते हैं। तो कमी इस तरफ है तो सकल लाभ, कमी इस तरफ होगा तो उसको सकल हानि, इंग्लिश में उसको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या मदे हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माल के निर्माण के बाद का जो खर्च है विक्रय से संबंधित वो सब आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आपका किराया, वेतन, यात्रा व्यय, कमीशन, बीमा, मरम्मत, ठीक है, ऋण पर ब्याज, बट्टा, अशोध ऋण, ठीक, और किसी भी संपत्ति पर कुछ भी जो कमी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। देनदारों पर कोई छूट बताया गया है, और अर्जित कमीशन है 60 रुपये, ठीक है। तो जो भी संयोजन है उसको आप ऐड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, जो कि आपने 1 से लेकर 6 तक का वीडियो देखा है, तो क्या जुड़ता है क्या घटता है आपको इस पर समझ में आ गया होगा, तो उसके हिसाब से हमारी एंट्री होगी। तो चलिए अब आपको आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है समाकलन साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट है तो उसको पहले इधर लिखेंगे, लॉस होगा तो पहले इधर लिखना है, उसी से शुरुआत होता है लाभ हानि खाते का, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका कमीशन अर्जित था, है ना, उस अर्जित कमीशन को आप निकाल देंगे। प्राप्त कमीशन आपका समाकलन में आता है, उसमें से आप ये घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा आपको इस तरह से उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ लाइन से, किराया कर, वेतन, ठीक है, यात्रा व्यय, इंश्योरेंस, बीमा, सब कुछ आपको इस तरह से स्पष्ट रूप से लिखते हुए चलते जाना है। जिस संयोजन में जो था जोड़ने घटाने के लिए आप उसको इस तरह से जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, टोटल में से आप इनको घटाएंगे। तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को घटाना है, जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। इधर कमी है तो नेट प्रॉफिट, इधर कमी है तो नेट लॉस कहलाता है। अब इसी के बाद हम अपना चिट्ठा बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? चिट्ठा। चिट्ठा बनाएंगे तो चिट्ठा बनाते समय ध्यान रखना है संपत्ति क्या क्या थी उन्हीं को उठा करके यहाँ लिखना होता है। तो आपने प्रश्न देखा है तो प्रश्न में आपकी कितनी रोकड़ है, कितनी पूंजी है, कितनी संपत्ति है, सबको एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो प्लांट एवं मशीन आपके 2880 के थे, उसमें मजदूरी के जो शामिल थे है ना, मजदूरी में जो शामिल थे 120 रुपये, उसको इसमें जोड़ देंगे, इस तरह से अमाउंट बढ़ करके ये आ जाएगा। देनदारों में से जो आपका प्रधान संचय था, ठीक है, डूबत ऋण था, उनको आप घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उस अमाउंट को आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो रोकड़ है वो रोकड़ लिखा, बैंक है जो बैंक का लिखा, जो अभी आपके फर्नीचर थे उसको आपने लिखा, प्राप्य पत्र लिखा, अंतिम स्कंद को लिखा। इस तरफ आप लिखेंगे ऋण पर ब्याज, और यहाँ पर आप क्रेडिटर लिखेंगे मतलब लेनदार कितने के हैं, ठीक है। और फिर आपका लोन अमाउंट रहेगा, इस तरह से कैपिटल रहेगा, कैपिटल में शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं, आरएन को घटाते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको लिखते हैं, ठीक है। अर्जित कमीशन आपको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद दोनों पक्षों को जब आप जोड़ेंगे तो दोनों पक्ष इसमें बराबर आते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को समझा। तो सारे प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक एक एक समझन को देख करके बनाना होते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा आपने सीखा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय बच्चों।